सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या मानती है आप लोग, या झूठ बोल के बुलाया गया है? इन लोगों का ये कहना है आपको यहाँ तीन तलाक के मुद्दों पर इकट्ठा किया गया, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं आप? आपको पता है आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है? आप लोगों किस लिए बुलाया गया है यहाँ? आपको किस लिए बुलाया गया है? तीन तलाक के मुद्दे को लेकर क्या क्या कहकर बुलाया गया? कौन लाया था आपको? तो आप लोग तीन तलाक के मुद्दों को लेकर नहीं आए? आप लोग तीन तलाक के मुद्दों को लेकर नहीं आएंगे ना? क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? बोला गया है इन लोगों का ये कहना आप तीन तलाक के मुद्दों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुई है? आपको झूठ बोल के बुलाया गया? अब हमें ये ना मालूम झूठ बोला के बोला, हमें तो बस ये मालूम पड़ता है। कौन कौन लोग लाए थे? कौन 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 लोग लाए थे? हमें तो हमारी नजर पास खबर आई, हमारी नजर अंकित जी के पता चला है वो बीपीएल कार्ड बनना है, आप वहाँ पर आ जाए। नेता किस लिए बुलाया गया है? हमें नहीं बुलाया है तो आपके मकान नहीं है, मकान दिलवाएंगे, आपकी बच्ची के बारे में पैसा दिलवाएंगे, आपका गरीब और समाज के कुछ ही मदद करेंगे हम, इसलिए बुलवाया है। तो आप तीन तलाक के मुद्दों पर यहाँ नहीं आई हैं? आई चली गई, हम किसी नहीं, हम रानी क्या हो गया क्या? सर ये बताइए, ये जो आज बीजेपी के कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को भ्रमित किया, लालच दिया, या उनकी परेशानियों को सब योजना के तहत, मोदी योजना के तहत उनको जो समाधान किया जाएगा ऐसा कहकर, और तीन तलाक वाले मुद्दे पर जो उनको जबरदस्ती एक मीटिंग में बुलाया, तो उसमें सर आप क्या मानते हैं, क्या ये बीजेपी सही है या गलत है या क्या है? ये मैं इतना कहना चाहूंगा, ये मुसलमानों का बड़ा अपमान है, इस गरीबी का बहुत बड़ा अपमान है। हम गरीब जरूर है मुसलमान।